आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में विरोध मार्च निकाला गया। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। कई भाजपा के नेता और सांसदों को चोटें भी आई हैं और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है। इस मौत के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है और भाजपा ने साफ कहा है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, इसका जवाब भाजपा देगी। जाहिर तौर पर कई नेता इसका अब लगातार विरोध कर रहे हैं और देखिए किस तरह से खुद नित्यानंद राय और कई नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में निकल जाएंगे तो फिर हम लोग का भी शॉर्ट नहीं बनेगा सर। नित्यानंद राय जी, क्या हुआ था सर? घटना क्या हुआ सर? आप सर पहुंचे थे क्या सर? जो सूचना आ रही है जहानाबाद की सर, जो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता विजय सिंह जी जो जहानाबाद नगर के हमारे महामंत्री हैं, बीजेपी के महामंत्री, भाई थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, उनकी मौत हो गई है। अरे लाइट चल रहा है सब बनाएगा जी, बिहार की सरकार लाठी गोली वाली सरकार है और बर्बरता पूर्वक आज पूरी तरह से दमन की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता जो अपनी भावनाओं को लेकर इस बहरी गुंगी सरकार को जगाने के लिए और सुनाने के लिए सड़क पर निकली थी, लोकतंत्र में अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च कर रहे थे, उस पर बिहार की यह भ्रष्टाचार ही नहीं गुंडागर्दी वाली सरकार, गोली लाठी वाली सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आहुति ले ली। हम उनको नमन करते हैं, विजय सिंह जी को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और बिहार की जनता घायल हुई है, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चलाई गई, कई तरह का बल प्रयोग किया गया, पानी के बौछारे भी हुई और दमनकारी नीति जो फुटेज में आया है आप लोग देखे होंगे, इस तरह की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। हम यहाँ बिल्कुल हम मिलने गए, अभी हम पीएम सीट में खड़ा है, आप यही खड़े हैं, उनकी मौत हो गई, उनको लाठी गोली लाठी से बर्बरता पूर्वक मारी गई, गैस के गोले जो छोड़े गए थे बड़ी ही भारी मात्रा में उसका भी उनको असर हुआ और चोट के कारण और आंसू गैस के कारण उनकी मौत हो गई सर। सर को ज्यादा निशान पर उन पे प्रहार हुआ। पूर्व किस बहुत हम लोग को तो पुलिस ने चीप दिया, उसमें लोहे के बैरिकेड में सांस बंद हो गई थी, सांस वापस आई है, अभी सांस बंद हो गई थी। लाठी डंडे भी बरसाए गए क्या? लाठी डंडा तो नहीं लगा हमको, लेकिन हमारे साथियों को पीटा गया। तबीयत कैसी है? हमारे साथ में तबीयत ठीक नहीं है, हम जा रहे हैं चेकअप करवाने, हम बेहोश हो गए थे, साथी लोग होश में ले आए। सर आपको चोटें लगी हैं क्या सर? जान नहीं जा रहा हमको। सर आपको भी चोट लगी है सर? आपको भी चोट लगी? चोट लगी है भैया।